हेलो एवरीवन, आज हम क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर नंबर टू है मैथमेटिक्स का, पॉलिनोमियल्स, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपने चैप्टर नंबर वन अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए तो आज हम पहले एक्सरसाइज पे जाने से पहले चैप्टर के कुछ बेसिक्स करने जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल्स है, तो सबसे पहले जान लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या, क्या डेफिनेशन उसकी एग्जैक्ट। ठीक है, ओके। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ हमारा वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम अल्फाबेटिकल टर्म से डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड, हम ये लेटर्स ले सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ कोई ना कोई कॉन्स्टेंट टर्म्स भी होती हैं, न्यूमरल्स जो होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, सो पॉलिनोमियल क्या होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है इन अ सिंगल वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए वेरिएबल। ठीक है कि नहीं, क्या हैविंग वन और मोर टर्म्स, और टर्म्स उसमें एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, सच दैट द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। तो क्या क्या तीन कंडीशन जरूरी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए जिसमें कि वेरिएबल एक ही हो, उसके बाद टर्म्स 1, 2, 3, 4 कितनी भी चलेंगी, एन नंबर ऑफ टर्म्स चलेंगी, और सबसे जरूरी कंडीशन जो है, जो पावर होती है ना वेरिएबल की, जो भी हम एक्स वाई जेड लेटर यूज करते हैं उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। और होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया हमारा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। तो देखते हैं कि पावर क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द पावर ऑफ वेरिएबल कैन नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी फ्रैक्शन। पावर मैंने बताया होल नंबर हो सकती है, क्या नहीं चलेगा बिल्कुल भी, एक तो पावर नेगेटिव नहीं चलेगी। तो नेगेटिव कैसी होती है वो देख लेते हैं। सपोज कोई भी वेरिएबल टर्म है वो अपॉन में आ गया, हमारा 1/x आ गया, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ऊपर आएगा तो x रेस टू क्या हो जाएगा, -1। मैंने एक्सपोनेंट वाले रूल्स में समझाया था, ऊपर नीचे शिफ्ट करने से पावर का साइन बदल जाता है। ठीक है, तो x रेस टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी नेगेटिव पावर संभव नहीं है। तो नेगेटिव कब आती है, जब हमारा वेरिएबल जो है ना एक्स, वो डिनोमिनेटर में हो, किसी भी पावर के साथ हो। चलो मान लेते हैं 1/x² कहीं लिखा हुआ है किसी टर्म में। ठीक है कि नहीं, क्या तो x² ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, x^-2 हो गया। तो इस प्रकार की पावर्स पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ चीज भी दिख जाए किसी एक्सप्रेशन में तो वो क्या क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है ना, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि अगर मान लीजिए जो हमारा वेरिएबल टर्म है एक्स, वो रूट के किसी भी निशान में आ जाए, ये स्क्वायर रूट का निशान है, ये क्यूब रूट का निशान है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है एक्स रेस टू 1/2 पावर, हाफ हो गया। इसी प्रकार से क्यूब रूट का मतलब होता है वह एक्स रेस टू 1/3। तो यहां पे देखें यदि हम, तो एक्स की पावर क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, समझ में आ गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर हमको एक्स अपॉन में नीचे दिख जाए किसी भी पावर के साथ में, या फिर हमको एक्स किसी सर्ड में रूट के निशान के अंदर दिख जाए, कोई सा भी रूट हो, तो ये क्या नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्लियर है? सो व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल वेरिएबल वेयर इट मे हैव वन और मोर टर्म्स। टर्म्स क्या हो सकती है, एक एक्स से ज्यादा हो सकती है, और मैं बताऊंगा टर्म्स किस चीज को कहते हैं, और पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर ही हो सकती है, नेगेटिव नहीं चलेगी, फ्रैक्शन नहीं चलेगी। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि टर्म्स का क्या मतलब। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए, देखेंगे यहाँ पे, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लस और माइनस के जो साइन है, प्राइमरी ऑपरेटर्स जो हमारे मैथमेटिक्स के चार होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसमें से जो प्लस और माइनस है प्राइमरी ऑपरेटर्स हमारे। ठीक है, तो जितने भी प्लस माइनस के साइन दिखते हैं, ठीक है, उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो टोटल कितने साइन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो 2 साइन जो है इन्होंने सेपरेट कर रखा तीन चीजों को, तो 1, 2, 3, तो ये तीनों टर्म्स हो गई, समझ में आ गया, तीन टर्म्स। यहां देखो एक ही साइन दिख रहा है तो 2 टर्म्स हो गई, एक भी साइन नहीं दिख रहा है तो 1 टर्म, 0 साइन, तो जितने उस प्लस माइनस के साइन होंगे उससे एक ज्यादा टर्म्स होगी। तो यहां 2 है तो 3 टर्म्स, 2 टर्म्स, 1, 2, 3 टर्म्स, समझ में आ गया नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारी एक टर्म भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6 कितनी भी हो सकती है पॉलिनोमियल के अंदर, समझ में आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो टर्म्स है उसकी संख्या के आधार पे हम पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो शुरू के तीन हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, एक टर्म वाला, 2 टर्म वाला और 3 टर्म वाला, है तो ये पॉलिनोमियल, बट इनके स्पेशल नाम और दे दिए गए, समझ में आ गया। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है उसको मोनोमियल कह देते हैं, क्या कह देते हैं, मोनोमियल। तो मोनोमियल मैं फिर कह रहा हूं कि इसको पॉलिनोमियल भी बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल ही है, उसका टाइप ही है, बट यदि एक ही टर्म होती है तो इट कैन बी कॉल्ड एज ए मोनोमर, इसका एडिशनल नाम हो गया, तो मोनोमर एग्जांपल हो गया एक ही टर्म में हमारा मोनोमियल। ठीक है, एक ही टर्म हो गया। ठीक है, इसी के बाद बाइनोमियल ले लेते हैं, बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होने चाहिए, 2, तो बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, और नोमिया मतलब टर्म, क्लियर है। सो
देखेंगे यहाँ पे एक ही ऑपरेटर है, दैट मीन्स इट हैज गॉट टू टर्म्स। इसी प्रकार से ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में कितनी है, तीन टर्म्स हो गई, ऑपरेटर्स कितने हो गए, दो हो गए, समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे, तो एक बात और जरूरी ध्यान रख लेंगे, ये तीनों मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इवन दो दे हैव वन टू एंड थ्री टर्म्स रिस्पेक्टिवली, ये तीनों ही पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो पॉली का मतलब ऐसे मैं नहीं होता है, बट इसको पॉलिनोमियल क्यों कहा जाए, इसको पॉलिनोमियल क्यों कहा जाए, तो पॉली का मतलब तो मैं नहीं होता, फिर मोनोमियल को हम पॉलिनोमियल कैसे बोल सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये 2x² है, इसमें टर्म्स तो एक ही है, अगर मैं कहूं कि इसमें एक के अलावा मुझे दूसरी टर्म भी दिखाई दे रही है, आप लोगों को दिख रही है क्या, ध्यान से देखेंगे आंख खोल के, दिखाई दी, दी नहीं दी, चलो अभी दिखा देते हैं। 2x², ये हमारी एक टर्म है, अगर मैं कहूं कि इसमें दूसरी टर्म भी शामिल है, देखेंगे, अगर मैं इसको प्लस 0x³ लिख दूं, क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि जीरो से एक्स क्यूब इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इसका मतलब मैं जीरो कोफिशिएंट लगा करके और दुनिया भर की टर्म्स लिख सकता हूँ। तो मतलब देखो, एक थी, एक में दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, समझ में आ गया। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बताया था कि पावर जो होता है होल नंबर ही होना चाहिए, और कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, प्लस का भी, माइनस का भी, जीरो भी, कुछ भी चलेगा, एनी इंटीजर, समझ में आ गया। तो मैं एक टर्म वाले को दो टर्म वाले के रूप में भी लिख सकता हूँ, तीन के में भी, चार के में। तो इसका मतलब इसमें वर्चुअली इनविजिबल टर्म्स खूब सारी हम लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ध्यान देंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तीनों ही क्या है, पॉलिनोमियल भी होते हैं, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री का मतलब क्या है, ध्यान से सुनेंगे, इट रेफर्स टू द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स हैं, उन सभी टर्म्स में जो वेरिएबल है एक्स अथवा वाई, उसकी जो सबसे बड़ी पावर है उसको कहते हैं डिग्री। चलिए यहां देख लेते हैं, कितनी टर्म्स है टोटल, तीन टर्म्स है, तीन में यहां पे पावर है चार, यहां पे है एक्सपोनेंट थ्री, यहां पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब वन होता है, तो 4, 3, 1 सबसे बड़ी कौन सी हो गई, फोर हो गई, तो हम लिख देंगे इसकी डिग्री हो गई फोर। चलिए यहां देखेंगे, यहां पे वेरिएबल मैंने वाई ले लिया, कभी एक्स ले सकते हैं, कभी वाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अल्फाबेट कोई भी, तो 3y-x। चलिए यहां पे देखेंगे पावर कुछ नहीं दिख रही, मतलब वन, और यहां पे वाई गायब है, तो वाई गायब होने का मतलब वाई की पावर हम जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो पावर वन है, एक पावर जीरो है, तो मुझे बताओ कि डिग्री क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, बड़ी वाली वन हो गई, ठीक है ना। सभी टर्म्स में चेक करना है, यहां पे देखेंगे वेरिएबल गायब है, तो वेरिएबल गायब का मतलब हो गया मैं एक्स रेस टू जीरो लगा सकता हूं, जो वेरिएबल नहीं है उसकी पार जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स रेस टू जीरो वन ही होता है, तो यहां पे डिग्री बड़ी से बड़ी जीरो ही हो गई। तो अगर वेरिएबल नहीं दिखाई देता, सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म है, देन वी विल हैव डिग्री जीरो, ठीक है कि नहीं। चलिए यहां देखेंगे, फर्स्ट टर्म में 15 है, यहां पे 12 है, यहां पे जीरो है, सबसे बड़ी कौन सी होगी, 15, we have degree 50, clear है। So what is degree? Degree is the highest power of any term in the polynomial. Clear है? चलिए आगे चलते हैं। अभी degree के आधार पे, on the basis of degree, these polynomials can be divided into three categories. ये special categories है, और भी हो सकती है नाम, but शुरू के जो तीन है वो ज्यादा important है study के purpose से। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री एक होती है, जिसकी डिग्री दो होती है, जिसकी डिग्री तीन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर डिग्री वन है तो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री टू है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री थ्री है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, समझ आ गया। तो तीन अलग अलग प्रकार की क्या हो गई, डिग्री हो गई। इनका नाम ऐसा इसलिए पड़ा है, लीनियर को लीनियर क्यों बोला है, क्योंकि ये जो चीज है अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, आगे हम देखेंगे अगले फोर्थ चैप्टर में ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का। तो यदि हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, तो लाइन शब्द यहां से आया, लीनियर, समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि हम ग्राफ बनाएं इसका, तो इसका ग्राफ आता है पैराबोलिक, ऐसे आता है, कर्व के रूप में आता है, ठीक है। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ ऐसे, मल्टीपल कर्व्स होते हैं, समझ में आ गया, लहराते हुए, समझ में आ गया। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इसका ग्राफ होगा ऐसे, या तो यू शेप या इन्वर्टेड यू शेप, और इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसे ऐसे करके कर्व के रूप में होगा, क्लियर है, एस शेप में होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, स्पेशल पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे चल लेते हैं, कुछ एक आधी टर्म्स और देख लेते हैं हम, ये मैं रब कर देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ समथिंग क्या मतलब है इसका, किसी भी चीज का कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए सपोज मैंने एक टर्म लिख ली 3x³, ठीक है। अब मुझे पूछा गया है कि बताओ जी कोफिशिएंट ऑफ x³,
कॉफिशियंट ऑफ x क्यूब। चलिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, 2x square y ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहां मुझसे पूछा गया है कॉफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, समझेंगे इन दो एग्जांपल से बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। क्या चलिए यहां क्या बोला है, कॉफिशियंट ऑफ x क्यूब, x क्यूब का कॉफिशियंट क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि x क्यूब के साथ में क्या रखा हुआ है यहां पे, समझ में आ गया। तो x क्यूब के साथ में क्या रखा हुआ है, -3 बोल दे। तो क्या रखा है x क्यूब के साथ में, -3 रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो जिसका हमको कॉफिशियंट निकालना हो उसको छिपा करके आपको क्या दिखाई दे रहा है वो सारा सारा, तो यहां क्या लिख देंगे, सिर्फ हम -3 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से x स्क्वायर के साथ में यहां क्या दिखाई दे रहा है, तो x स्क्वायर को छोड़ करके हमको क्या दिख रहा है, 2 और y, तो यहां लिख देंगे 2y। मतलब समझ में आ गया, हमको जिस चीज का कॉफिशियंट निकालना है, जिस चीज का हमको कॉफिशियंट निकालना है वो चीज को छोड़ करके बाकी सारे साइन के साथ एवरीथिंग जो दिखाई दे रहा है सब लिखना है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ कॉफिशियंट ऑफ x इन, चलिए ये बताएंगे x के साथ क्या दिखाई दे रहा है, x हटा दूं तो सिर्फ माइनस दिख रहा है, तो लेकिन यहां अकेला माइनस नहीं लगे, कोई भी नंबर ना दिखे तो 1 लगा देंगे, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कॉफिशियंट निकाल सकते हैं, क्लियर है। चलिए एक और अगला हमारा चीज आती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब समझ लेते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल, मान लीजिए हमने ले लिया 3x plus 5, ये हमारा एक छोटा सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है कि नहीं। क्या और हमको निकालना है इसका जीरो, तो पहले मतलब समझ लेते हैं, क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल में x की वो क्या वैल्यू होगी, स्पेसिफिक वैल्यू जो इसमें यदि हम पुट कर दें तो रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो। मतलब x की कौन सी वैल्यू है जो इसमें सब्स्टिट्यूट करने से इसको क्या बना दे, जीरो बना दे, उस x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, उसका जीरो, ठीक है कि नहीं। क्या तो देखेंगे यहां पे दैट वैल्यू या फिर वैल्यूज ज्यादा भी हो सकती है, मैं बताऊंगा कब ज्यादा होंगी, ठीक है। दैट वैल्यू और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हो, विच व्हेन पुट इन द पॉलिनोमियल गिव्स द रिजल्ट कितना, जीरो, उनको कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए एग्जांपल, अब मुझे x की जगह क्या रख दूं कि जीरो आ जाए, तो एक काम कर लेते हैं, 3x plus 5 है, मुझे इस पूरी चीज को सॉल्व करके आंसर क्या लाना है, जीरो लाना है, समझ में आ गया कि नहीं। क्या तो x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, 3x = होना चाहिए -5 और x होना चाहिए -5/3, तो ये जो x की वैल्यू है ये क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। अब चेक करके देखें, अगर मैं 3 और x की जगह लिखता हूं -5/3 लिख दिया और साथ में आगे 5 है, चेक करते हैं कितना आंसर आता है, 3 कट जाएगा, -5 + 5 ये तो क्या आ गया, जीरो आ गया, समझ में आ गया। तो अगर हमको कोई भी पॉलिनोमियल दिया है और पूछा गया कि भाई इसका जीरो निकालो, तो क्या करना है हमको, जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू जीरो लगा देंगे, क्योंकि हमको जीरो लाना है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, समझ में आ गया। चलिए अब इंपॉर्टेंट, जीरो मैंने बोला उसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, यहां क्या लिखा मैंने, वैल्यूज भी लिखा, मतलब ज्यादा भी हो सकती है, तो यहां तो एक ही निकली, तो कब एक निकलेगी, कब ज्यादा निकलेंगी, ये डिपेंड करता है पॉलिनोमियल की डिग्री के ऊपर। किसी भी पॉलिनोमियल में जो जीरोस की संख्या है वो उसकी डिग्री के बराबर होती है। चलिए जैसे मान लेते हैं ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो आएगा। इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, इसके 4 जीरो आएंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं, एक आधा सेम भी हो सकता है। 15 है डिग्री, 15 आएंगे इसके जीरो, समझ में आ गया। तो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, आगे आपके बहुत काम आने वाली है ये, क्या द नंबर ऑफ जीरोज किसके ऑफ पॉलिनोमियल, ये किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू व्हाट, डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल। समझ में आ गया, जीरोस की संख्या जो है वो डिग्री के बराबर। तो अगर मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल है सिर्फ एक ही जीरो आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डिग्री टू है दो जीरो आएंगे, क्यूबिक है थ्री जीरो आएंगे। तो हमको इस चैप्टर में नॉर्मली इन तीनों से ही डील करना है, हमको लीनियर देखने हैं, हमको क्वाड्रेटिक देखने हैं, हमको क्यूबिक देखने हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा इस चैप्टर के बेसिक्स। इसके बाद जस्ट अभी हम कंटिन्यूटी में ही एक्सरसाइज जो है सेकंड पॉइंट 1.2.1 वो करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। अभी जो बेसिक्स किए हमने समझे उसी को यूज करना है हमको, ठीक है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, टोटल 5 क्वेश्चंस इसके अंदर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, कौन कौन से पॉलिनोमियल जो है वो सिंगल वेरिएबल में, नंबर 1, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। समझ में आ गया, कौन से तो सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं है, और रीजन के साथ हमको ये एक्सप्लेन करना है, खाली यस नो नहीं करना है हमको, ठीक है। चलिए, तो पहला इन्होंने दिया है 4x² - 3x + 7, ठीक है। अच्छा, जब तक हमको पॉलिनोमियल नहीं पता इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं, तो ये पहला एक्सप्रेशन ये रहा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x² - 3x + 7। चलिए, पॉलिनोमियल की तीन जरूरी कंडीशन, वेरिएबल लग के नाम पे एक ही दिखना चाहिए, टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, सबसे जरूरी चीज जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर ही हो सकती है। चलिए, सबसे पहले मुझे बताओ वेरिएबल देखो एक ही दिख रहा है x, ठीक है, उसके बाद टर्म्स हमारी तीन है, दूसरी कंडीशन भी सही हो गई, और x की जो पावर है यहाँ तो दो यहाँ एक कुछ नहीं है, मतलब होल नंबर ही है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। सो इट इज अ पॉलिनोमियल एज इट हैज अ सिंगल वेरिएबल एक्स ही है, एंड इट्स पावर इन ईच टर्म इज अ होल नंबर, हर टर्म में जो उसकी पावर है क्या है, होल नंबर है। चलिए सेकंड वाला, y² + √2, रूट देखते ही टूट मत पड़ना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, हमको वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, नंबर पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां देखेंगे दो टर्म्स हैं, ठीक, वेरिएबल के नाम पे हमको सिर्फ y दिख रहा है तो सिंगल वेरिएबल है, और वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया। इट इज ए पॉलिनोमियल एज इट हैज ए सिंगल वेरिएबल, यहां वेरिएबल y है एंड उसकी जो पावर है वो होल नंबर है, दैट इज 2। क्लियर है? चलिए थर्ड देखते हैं, अब यहां पे देखेंगे 3√t + t√2, वेरिएबल तो एक ही है t, बट इस फर्स्ट टर्म में देखें तो t के ऊपर रूट लग गया, और t के ऊपर रूट लगने का मतलब होता है t^2, t की पावर क्या हो गई, हाफ, और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, रीजन मिल गया ये, ठीक है ना। सो क्या लिख देंगे, नॉट ए पॉलिनोमियल एज, क्योंकि द वेरिएबल t, ये जो t वेरिएबल है कौन से में, किस में, इन द फर्स्ट टर्म, पहले वाले टर्म में जो टी वेरिएबल हैज फ्रैक्शनल पावर, इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में आती है, रूट टी जो होता है वो होता है t^(1/2), तो ये फ्रैक्शन में हो गई, और मैंने बताया था नेगेटिव नहीं चलेगी, फ्रैक्शन नहीं चलेगी वेरिएबल की पावर, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। समझ में आ गया? चलिए फोर्थ वाला देखते हैं, y + 2/y, वेरिएबल के नाम पे हमको ये दिख रहा है वाई, बट प्रॉब्लम यहाँ सेकंड टर्म में है, यहाँ तो पावर प्लस की है 1, ये वाई अगर ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगी पावर, और हमको नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, मैंने समझाया था एग्जांपल्स में, ठीक। सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल एज वेरिएबल y किसमें, इन द सेकंड टर्म, दूसरी टर्म में जो वेरिएबल है y उसकी पावर हो गई माइनस की, कैसे हुई माइनस की, 2/y दिया हुआ है, तो क्या कर देंगे, 2 तो वहीं रखेंगे, y^(1) है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चलते हैं, x^(10), y^3, एंड t^50। अब देखने में बहुत इजी लग सकता है कि भाई सारे के सारे पावर प्लस की है, तीन टर्म्स है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे वेरिएबल तीन हो गए, पूछा क्या है, क्या ये वन वेरिएबल में है क्या पॉलिनोमियल, तो यहाँ तो तीन वेरिएबल हो गए, तो गड़बड़ हो गया मामला, तो मतलब सब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है। समझ आगे, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल बिकॉज इट हैज थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स, कौन कौन से है, x, y, and t। क्लियर है? चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट कोफिशिएंट ऑफ x² अभी मैंने थोड़ी देर पहले कोफिशिएंट निकालना बताया था, क्या होता है x² का कोफिशिएंट निकालना है, तो जहां पे जिस टर्म में x² आ जाए, x² को छोड़ के साइन के साथ जो चीजें दिख रही है वो सारी ले लेनी है, ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये हमारी एक्सप्रेशंस दी हैं 4, और x² की कोफिशिएंट ढूंढने, चलिए ढूंढो इसमें x² कहां है, ये रहा, तो इसके साथ क्या दिख रहा है, +1, कुछ नहीं मतलब 1, तो यहां +1 लिख दिया, यहां बताइए x², ये रहा, साथ में क्या दिख रहा है, माइनस, कुछ नहीं है मतलब 1, तो -1 हो गया, ये देखिए x², ये रहा, क्या दिख रहा है साथ में, π/2, तो π/2 हो गया प्लस का। अब इस टर्म में बोला है x² का कोफिशिएंट निकालो, x² तो दिख ही नहीं रहा, तो अगर जो चीज नहीं दिखती है उसको जबरदस्ती दिखाया जा सकता है, +0 × x² लिख सकते हैं ना, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, तो इसका मतलब जो टर्म दिख ही नहीं रही है उसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, तो x² गायब है यहां से, तो x² कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है?
तो यहां तक नोट करेंगे एक बार। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, इसमें हमको बहुत सिंपल सी चीज पूछिए, हमको एक बाइनोमियल लिखना है जिसका कि डिग्री 35 होना चाहिए। बाइनोमियल मीन्स दो टर्म होनी चाहिए, और हमको एक मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। चलिए बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स, तो एक काम करते हैं पहले यहां ले लेते हैं एक्स एक्स टू 35, ठीक है, और एक और लगाना है सपोज एक्स स्क्वायर लगा देंगे हम। तो देखो दो टर्म हो गई और सबसे बड़ी पावर क्या हो गई, 35। हम वाई भी ले सकते हैं, सपोज वाई रेस टू 35 प्लस सपोज 10, कुछ भी आगे कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया। तो ये हमारे दो क्या हो गए, बाइनोमियल, एक ही लिखना था, मैंने दो एग्जांपल बता दिए, ठीक है। इसी प्रकार से मोनोमियल सिंगल टर्म और डिग्री क्या होनी चाहिए, 100, तो जो सिंगल टर्म लेंगे उसी की पावर 100 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सपोज एक्स रेस टू 100, लो जी मोनोमियल हो गया। यहाँ सपोज टू वाई रेस टू 100, हम साथ में कोई नंबर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, जिसमें बाइनोमियल 35 डिग्री वाला लिखना था और मोनोमियल लिखना था 100 डिग्री वाले, दो दो एग्जाम्पल लिख लिया मैंने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमल्स, ये जो भी पॉलिनोमल दिए गए इनकी सबकी क्या लिखनी है, हमको डिग्री लिखनी है। तो मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, ये गिवन है पॉलिनोमल्स, हम यहाँ डिग्री लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए कितनी टर्म्स है टोटल, 3, 5x² प्लस 4x² प्लस 7। अब इन तीनों में से यहाँ पे पावर 2 है x की, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ी 2 ही तो हुई, तो यहाँ लिख देंगे डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल हो गया कैटेगरी, ठीक है ना। चलिए कैटेगरी जरूरत नहीं लिखने की, यहाँ पे दो ही टर्म्स हैं, यहाँ पे वेरिएबल वाई नहीं है, तो यहाँ तो पावर 0 होगी जो अनजान नहीं होता, और यहाँ पे पावर हो गई 2, तो बड़ी वाली 2 है, तो यहाँ पे भी डिग्री क्या हो गई, 2। दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, देखेंगे दो टर्म्स हैं, रूट 7 पे है, ध्यान देना टी पे नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ टी की पावर 1 है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब बड़ी से बड़ी पावर 1 ही हो गई, तो ये पॉलिनोमियल हो गया लीनियर विद डिग्री 1, समझ में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिख रहा हमको, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है ना, तो अगर वेरिएबल गायब है तो डिग्री क्या लिखेंगे, 0, समझ में आ गया, डिग्री लिखेंगे 0। तो हम एक्स रेस टू 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो जो चीज़ नहीं दिखाई देती तो डिग्री क्या आएगी, 0, अगर वेरिएबल नहीं दिखता है तो, क्लियर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन 5 जो है लास्ट, वो क्या है, दिए गए जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको क्लासिफाई करना है आइदर एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हम जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री सिर्फ 1 होती है, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री वाले, एंड क्यूबिक जिसकी डिग्री होती है 3। तो चलिए सबसे पहले डिग्री लिख लेते हैं, बाद में क्लासिफाई कर लेंगे, अभी जो किया था सेम काम। चलिए यहाँ पे दो टर्म्स हैं, बड़ी वाली पावर 2 है, तो डिग्री 2 आ गई। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, 1 पावर 3 पावर बड़ी 3 है, डिग्री आ गई 3। यहाँ पे बताएंगे यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो बड़ी वाली 2 हुई, तो यहाँ डिग्री 2 आ गया। यहाँ पे पार कुछ नहीं है 0, यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे पार 1 है, डिग्री 1 हो गई। यहाँ पे पार 2 है, डिग्री 2 हो गई। 7x³ डिग्री हो गई 3। चलिए जहाँ 1 है वो लीनियर है, 2 है क्वाड्रेटिक है, 3 है क्यूबिक, तो पहला 2 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर है। चलिए 3 वाला क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, 2 वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन ये लीनियर पॉलिनोमियल 1 वाला, ये भी क्या हो जाएगा, सेम लीनियर पॉलिनोमियल, देन दिस वन क्वाड्रेटिक, 2 है डिग्री, एंड लास्ट वन इज डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, समझ में आ गया। तो दिस कंप्लीट्स अवर एक्सरसाइज 2.1। होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो आप पूरा देखा करें, अच्छे से नोट किया करें, समझ में आने के बाद में लिखने की जल्दीबाजी नहीं करेंगे।